नमस्कार, मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ। और अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूं। और लगभग 23 साल जो है मुझे जर्नलिज्म में अब तक हुए हैं। और अभी तक आपने जो है वो बहुत सारे शोज़ में मुझको देखा है। सेल्फ मेड आइकन में मैं होस्ट रहता हूँ, और कई टीवी डिबेट्स में भी आपने मुझे एक एक्सपर्ट के तौर पर, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर बातचीत करते हुए देखा होगा। अभी पिछले अगले कुछ दिनों तक मैं आपके साथ एक शो लेकर के आ रहा हूँ, जिसका हम यूपी पॉलिटिक्स पे शो है, जिसमें हम एनालिसिस पेश करेंगे और पॉलिटिकल एक्टिविटी को आपको बताएंगे। खासकर ऐसी एक्टिविटी को हम बताएंगे आपको जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर, टीवी पर नहीं देख रहे हैं। तो आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा को आपके बीच लेकर के आए हैं, और ये महत्वपूर्ण चर्चा है कि एक ट्वीट आज आया है जयराम रमेश जी का। और जयराम रमेश जो कांग्रेस के सचिव हैं और कांग्रेस के जो मुख्य लीडर हैं, मुख्य नेता हैं राहुल गांधी, उनके सबसे करीबी ये कहलाते हैं जयराम रमेश साहब। और इनका ट्वीट है कि पटना, बेंगलोर, मुंबई और नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की 4 बैठकों में भाग लेने के बाद आरएलडी एनडीए में शामिल होने को तैयार है, लेकिन आज सुबह भारत रत्न चौधरी चरण सिंह द्वारा स्थापित मूरएलडी लोकदल के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी का बेहद उत्साह के साथ स्वागत किया। यह रालोद के बहाने और दिखावे के बारे में बहुत कुछ कहता है। देखिए, इस ट्वीट में जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि एक और लोकदल है जिसकी स्थापना जो है चौधरी चरण सिंह ने की थी, और उस लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया है, उसका समर्थन दिया है अलीगढ़ में। अब ये जो डिस्कशन है ये इस दिशा में बढ़ रहा है, और इस डिस्कशन की खास वजह ये है कि बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आप कहीं जाएंगे तो आपको सड़कों के किनारे एक ही होर्डिंग दिखाई देगा, वो है लोकदल के महासचिव विजेंद्र चौधरी के होर्डिंग। विजेंद्र चौधरी जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में उनके कई कॉलेज हैं, और काफ़ी उनको बदनामी भी हासिल है, और आप कह सकते हैं कि मशहूर भी हैं। क्योंकि बदनामी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी विवादों के साथ उनका नाता रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं उनको किन्हीं किन्हीं कारणों से कई कई विवादित चीज़ों में घसीटते रहते हैं। हाल ही में कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें उनको बाइक बोर्ड घोटाले से भी जोड़े जाने की बात कही गई थी। हालांकि हम तो उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको बताते जो बात है आपको, आप जो बताने हम जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सुनील सिंह जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकदल के, और पिछले कुछ दिनों पहले, लेकिन ये लोकदल है क्या? तो देखिए, ये जो लोकदल है इसकी स्थापना चौधरी चरण सिंह ने की थी, और लगभग 15 दिन पहले जब ये एक्टिविटी शुरू हुई तो मुजफ्फरनगर के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जब ये पूछा गया कि भाई ये आरएलडी क्या है और ये लोकदल क्या है, तो मुजफ्फरनगर के एक व्हाट्सएप ग्रुप में लोकदल के बारे में चर्चा हुई, और आरएलडी के एक काफ़ी वरिष्ठ नेता जो काफ़ी नज़दीकी हैं जयंत चौधरी के, उन्होंने एक उस व्हाट्सएप में एक कमेंट लिखा, और उन्होंने वो पुरानी चीज़ों को याद करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने लिखा कि याद कीजिए जब राजेंद्र का लड़का हमारी पार्टी के कागज लेकर भाग गया था, ये उन्होंने लिखा। और उसके बाद में प्रदर्शन के दौरान गोलियां भी हमने खाई और हमारे लाठियां भी हमने खाई, और बहुत हमें संघर्ष करना पड़ा। तो ये एक पुरानी कहानी है कि लोकदल के कैसे कागज चोरी हुए, फिर वो उस कागज में जो चौधरी चरण सिंह की वाली लोकदल थी उसके कागज चोरी हुए, सुनील सिंह जो थे वो राजेंद्र का लड़का जिनको कहा जा रहा है वो संभवतः सुनील सिंह उनको बताया जाता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकदल के। तो जो सुनील सिंह हैं उनको जो है उन्होंने वो लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब क्या चर्चा है? अब चर्चा ये है कि सुनील सिंह जो है वो लोकदल के अध्यक्ष बने, लेकिन ये पार्टी जो थी वो नेपथ्य में चली गई, और चौधरी अजीत सिंह ने अपना एक आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल करके एक दूसरी राजनीतिक दल का गठन कर लिया, और आरएलडी
जो वोटर था लोकदल का, जो चौधरी चरण सिंह का वोटर था, तो वो पार्टी के बंटवारे जैसी स्थिति थी, लेकिन वोटर जो था चौधरी चरण सिंह को कमिटेड था, वो लोकदल के साथ नहीं गया, वो आरएलडी या राष्ट्रीय लोकदल यानी चौधरी अजीत सिंह के साथ गया, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह के प्रति कमिटेड था। और एक बहुत नकारात्मक इमेज लोकदल की बन गई। लोकदल मतलब चौधरी चरण सिंह के स्थापना वाले दल की, ये कहा गया वो कि उनके साथ तो वो छल हुआ, कपट हुआ, उनके कागज गलत तरीके से लेकर के कोई भाग गया और उसने जो है फिर उस पार्टी को एक प्रकार से चुरा लिया। तो उनका जो, चूंकि अब तो पॉलिटिकल चर्चा है और हम लोग बातचीत कर सकते हैं, एक अंतर भी उसमें आया, वो जो लोकदल थी, पुराने लोगों से आप बातचीत करेंगे तो वो बता देंगे, उनका चुनाव चिन्ह था अनाज ओसता हुआ किसान, तो उस सर पर अनाज ऐसे गिरा रहा है किसान। और जो आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी है, इनका चुनाव चिन्ह है नल। तो ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहले अगली बात जो होगी तो उसके शुरुआत में आपको ये समझना जानना जरूरी है कि ये कंफ्यूजन है क्या। अब बात होगी विचारधारा की, तो विचारधारा पर बातचीत करेंगे कि दोनों कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो हम अभी जब जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया तो उसके बाद जो है लोकदल के एक प्रवक्ता हैं जो भूपेंद्र चौधरी, जो यूपी के नहीं है, राजस्थान के हैं, तो उन्होंने उसको कोट करके कहा और ये कहा कि साहब आप ये जरूर कह रहे हैं कि लोकदल जो है वो ये इस दल ने जो है कांग्रेस का समर्थन किया है, लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका एक भी पार्षद नहीं है, विधायक होने की बात तो दूर है। लेकिन हाल फिलहाल में पिछले 10-15 सालों में अब हमारी बातचीत जो है वो क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं बातचीत को। ये आपको बेसिकली हाल पिछले 3-4 महीने में एक बहुत भयंकर परिवर्तन हुआ। जो परिवर्तन जो था वो इतना आश्चर्यजनक परिवर्तन था कि वो अब तक जो है वो इस पिछले 10-15 सालों में नहीं देखा था। जैसे नेपथ्य में थे सुनील सिंह, कहाँ थे सुनील सिंह उनको कोई जानता नहीं था, उनकी पार्टी का प्रचार कहीं दिखाई नहीं देता था, कभी कभार कोई छोटा मोटा होर्डिंग, छोटा मोटा कोई पेपर कहीं आ गया, उसमें सुनील सिंह की कोई छोटी मोटी 4-5 लाइन की विज्ञप्ति आ गई तो पता चलता था सुनील सिंह भी कोई है। और लोकदल जो है जिसके चौधरी चरण सिंह ने स्थापना की थी, जिसके कागज बकौल आरएलडी के पुराने लोगों के कि वे चोरी हुए थे, लिखा सही बात तो हम कभी सुनील सिंह से हम बात करेंगे तो सही बात तो वही बताएंगे, मगर उसके बाद काफी हंगामा भी हुआ, झगड़ा भी हुआ, पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और एक आरएलडी के कई कार्यकर्ता भी उसमें शहीद हुए थे। दावा तो यही करते हैं आरएलडी के लोग, यानी चौधरी अजीत सिंह को कमिटेड लोग, तो जयंत सिंह के साथ जो लोग हैं वो। अभी क्या क्लाइमैक्स आया कि पिछले 3-4 महीने में एक बड़ा परिवर्तन आया। एनसीआर में दिल्ली के से लेकर के मुजफ्फरनगर बिजनौर बेल्ट में अचानक से लोकदल के होर्डिंग की बाढ़ आ गई। उसमें एक तरफ चौधरी चरण सिंह का फोटो लगा हुआ है होर्डिंग्स में, हम दिखा देंगे आपको, तो उसमें एक तरफ चौधरी चरण सिंह का फोटो लगा हुआ है और एक तरफ जो है वो उसमें सुनील सिंह का फोटो है और नीचे एक बहुत बड़ा फोटो है चौधरी विजेंद्र सिंह का। तो चौधरी विजेंद्र सिंह का फोटो लगा हुआ है, तो चौधरी विजेंद्र सिंह जो है वो उसमें लोकदल के जो है राष्ट्रीय महासचिव उनमें लिखा हुआ है। और एक दो होर्डिंग नहीं है, आप सुनिए, आप 1,000 से ज्यादा होर्डिंग लगे हुए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। और उसके बाद चौधरी विजेंद्र सिंह जो है उनको एकदम से आए हुए और उन्होंने लिखना शुरू किया कि हमारी डिमांड है कि किसानों को जो है वो एमएसपी दी जाए, हमारी डिमांड है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। और चौधरी विजेंद्र सिंह जिनको जानते नहीं थे, कि ये भी नहीं लोग जानते हैं कि वो कौन है, कहाँ से है, इससे पहले का कोई चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, बस उनकी आइडेंटिटी इतनी है कि एक बाइक बोट घोटाला हुआ था तो उसमें, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, तो उसमें एक विजेंद्र सिंह थे तो उनका नाम जो है वो सामने आया था। ये वही है या नहीं है ये तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि इनके बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी की ये तैयारी कर रहे हैं बनाने की, मान्यता इनकी पेंडिंग है, संभवतः मिल गई है लेकिन वो प्रोसेस में है। तो चौधरी विजेंद्र सिंह जो है उनके बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लग गए, हजारों होर्डिंग लग गए। अब कमाल देखिए, चौधरी विजेंद्र सिंह जब क्षेत्र में घूमने लगे, खासकर मेरठ और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में घूमने लगे, तो अचानक से पता चला कि लोकदल है, और जहां जयंत चौधरी के होर्डिंग लगे थे उससे वहां बड़े बड़े चौधरी विजेंद्र सिंह के होर्डिंग लगे थे। और विजेंद्र सिंह, देखिए विजेंद्र सिंह में भी एक है, मतलब वो बी जेंद्र नहीं है, BIJ नहीं है, VIJ है, विजेंद्र है।
वो उनके जब होर्डिंग लगे हैं तो साथ साथ अब ये भी कि उनकी एक्टिविटी शुरू हो गई। अब एक्टिविटी जब उनकी शुरू होनी हुई तो किस अंदाज में शुरू हुई है? उनका रोड शो आया, उनके रोड शो में 100 से ज्यादा गाड़ियां, सब नई कारें, चमचमाती हुई कारें, बहुत भयंकर डिजिटल मैनेजमेंट। जिस तरह से आप जानिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अपनी रैलियों का प्रचार करते हैं, अपने रोड शो का प्रचार करते हैं लाइव चलता हुआ, बड़ा आश्चर्य पैदा हुआ कि चौधरी जयंत सिंह, जिनके 9 विधायक हैं, खुद राज्यसभा सांसद हैं, वो इतना तामझाम नहीं लेकर चल रहे हैं, तो ज्योति विजेंद्र सिंह के पास इतना तामझाम कहां से आ रहा है? अभी रुकिए, इससे ज्यादा जरूरी बात और भी बता देते हैं। अचानक से जहां लोकदल का एक भी जिला का नाम कोई जानता नहीं था, किसी को ये पता नहीं था कि भाई ये लोकदल जो है सक्रिय है भी या है भी या इसका कोई अस्तित्व जो है वो पता नहीं है, अचानक से उनके जिलाध्यक्ष के नाम सामने आने लगे, एक सोच ही आने लगी ये जिलाध्यक्ष है, थोड़ा बहुत मीडिया मैनेजमेंट में और लगा, ये जिलाध्यक्ष हैं बिजनौर के, ये जिलाध्यक्ष हैं मुजफ्फरनगर के, जिलाध्यक्ष हैं मेरठ के, फिर वो कहने लगे हमारे 18 जिलाध्यक्ष हैं। और कमाल सुनिए, वो जिलाध्यक्ष जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, वो अचानक से बढ़िया नई चमचमाती बुलेरो में दिखने लगे और नई चमचमाती स्कॉर्पियो में दिखने लगे। तो बातचीत करने में पता चला, और जैसे जर्नलिस्ट होते हैं या दूसरे खोजबीन करने वाले लोग होते हैं, तो पता चला कि इनको ये कारें, नई नई कारें जो है चौधरी विजेंद्र सिंह ने गिफ्ट की हैं। अब हुआ चर्चाओं का दौर शुरू, पॉलिटिकली चर्चाओं का दौर ये शुरू हुआ कि इनको ये कारें जो हैं ये इतना खर्चा किया गया है, यानी करोड़ों रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं, तो ये इनको क्यों दिए जा रहे हैं? तो ये तब की बात है जब ज्योति जयंत सिंह, हालांकि अभी तक भी उनको औपचारिक तौर पर तो एनडी में नहीं गए हैं, लेकिन जब तो वो इंडिया गठबंधन के ही साथ थे, 3 मीटिंग में शिरकत कर चुके थे और बहुत अधिक प्रचार भी कर रहे थे। तो जो गांव चौपाल पर आप यहाँ लोग बातचीत होती है, तो वहां लोगों की बातचीत जो होती है अपना अपना एक कयास होता है, अपनी एक चर्चा उनकी होती है। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि साहब इसको विजेंद्र सिंह जी को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है, बहुत बड़ा राष्ट्रीय दल इनको प्रमोट कर रहा है, ताकि ताकि चौधरी जयंत सिंह जो है उनको, चौधरी जयंत सिंह को कमजोर किया जाए और चौधरी जयंत कंफ्यूज हो, लोकदल का वोटर कंफ्यूज हो। तो कुछ लोगों ने कहा साहब ऐसा तो भाजपा ही कर सकती है, तो ऐसा तो भाजपा ही कर रही है। लेकिन अब तो एक दूसरी अजीब बात हो गई, और दूसरी अजीब बात ये हो गई कि चौधरी जयंत सिंह खुद, वो भारत रत्न जब चौधरी चरण सिंह को डिक्लेयर हो गया तो बकौल जयंत सिंह के उनका तो दिल ही जीत लिया गया, तो वो खुद एनडीए की तरफ जो है वो मुतासिर हो गए, उन्मुख हो गए, उनको झुकाव हो गया है एनडीए की तरफ, तो वो खुद मोदी जी को बहुत प्रशंसा करने लगे। तो यानी अगर ये बात मान भी ली जाए कि चौधरी विजेंद्र सिंह को, चौधरी जयंत सिंह को कमजोर करने के लिए भेजा गया था, तो जिस इंटेंशन के साथ, जिस कार्य के साथ उनको जिम्मेदारी दी गई थी वो तो पूरी हो गई। तो विजेंद्र सिंह जो है वो तो अब उनको किस काम के, क्या उनको जो मान लीजिए अगर कहीं से उनको पैसा आ भी रहा था तो क्या वो बंद हो जाएगा? लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो फिर एक नई चीज हुई, अब नई चीज ये हुई कि बिजनौर में चौधरी विजेंद्र सिंह ने आज एक बहुत विशाल रैली की। अब रैली सुन लीजिए आप, ये रैली बिजनौर लोकसभा की मीरापुर विधानसभा में हुई। मीरापुर विधानसभा में जहां ये रैली हुई वो कुतुबपुर रोड है, मीरापुर टाउन के आसपास है। रैली में 7,000 कुर्सियां लगाई गई, 1,000 से ज्यादा कारें आई, बढ़िया खाना मिला, एम्बुलेंस थी, बेहतरीन व्यवस्था थी, पैसा पानी की तरह बहाया गया। अगर स्थानीय लोगों की बात मान ले तो करोड़ रुपए खर्च हुए। जो रैली में शिरकत करने के लिए आए उन्हें बाकायदा गाड़ी मिली, और गाड़ी के साथ साथ उन्हें अच्छा खाना मिला, और कुछ उनको जो है वो ये भी मीरापुर के एक स्थानीय पत्रकार ने मुझे बताया कि वो उनको पैसे भी दिए गए, और कुछ बाद में कुछ महिलाओं ने हंगामा भी किया कि साहब हमको जो है वो पैसा नहीं मिला, इसलिए कुछ महिलाओं ने बाद में हंगामा भी किया। और इतनी तमाम मशक्कत के बाद उस रैली में बमुश्किल 5 से 7 हजार की भीड़ जुटी। अगर हमारे लोग एक जो लोकल के जर्नलिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स को अगर हम आधार बना लें तो पूरे उसमें 5,000 कुर्सियां डाली गई थी। कुछ फोटोज हमारे पास हैं, वो हम आपको दिखा देंगे, जिन फोटोज में कुर्सियां जो है वो आधे से ज्यादा खाली है। तो इतने तामझाम के बाद भी वो इतनी भीड़ नहीं जुट पाई, तो क्या इसकी वजह ये थी कि जयंत जो है वो एनडीए में चले गए? एक और बात रही, वो नोटिस करने वाली बात है, यहाँ कुछ किसान संगठन है और वो अलग अलग किसान संगठन है, जैसे भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन तोमर, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक, भारतीय किसान यूनियन अम्बेटा, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, भारतीय किसान यूनियन भानु, अलग अलग किसान संगठन है। तो एक किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन तोमर, तो भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन के अधिकतर कार्यकर्ता और अधिकतर नेता इस रैली में
शामिल हुए, हालांकि इसकी क्या वजह हो सकती है इस पर तो हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बात कर लेते हैं कि आखिर इससे होगा क्या। देखिए विजेंद्र सिंह जो हैं अब ये दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ चुनाव लड़ने के पीछे उनको उनका मानना ये है कि यहाँ जो उम्मीद अखबार अब तक आ रहे हैं वो पैराशूट हैं, वो हवाई हैं। हालांकि इस बात में तो उनकी सच्चाई है, क्योंकि मल्लूक नागर जो यहाँ के लोकसभा सांसद हैं, जो बहुजन समाज पार्टी बसपा के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़े थे 2019 में समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के तौर पर, वो जीते थे यहाँ से चुनाव, और जीतने के बाद चूंकि बिजनौर लोकसभा में उनका क्षेत्र है तो इसलिए इस क्षेत्र की बात की जा रही है। हालांकि वो दावा करते हैं कि वो सदन में बहुत सारे सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत अधिक अलोकप्रिय हैं और बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं यहाँ के लोग उन्हें, वोट देकर भयंकर तरीके से पछता रहे हैं, काफी नाराज है मल्लूक नागर से। एक मल्लूक नागर की बात नहीं है, इससे पहले यहाँ चुनाव लड़े थे विधानसभा का अवतार भडाना, वो यहाँ मीरापुर विधानसभा से, जिस विधानसभा में एक कार्यक्रम हुआ यहाँ से विधायक थे, और 5 साल अवतार भडाना कहाँ रहे, हेलीकॉप्टर से एक दो बार आते थे चले जाते थे, और यहीं का कोई आदमी वहां मिलने चला गया तो थोड़ा बहुत कुछ मोबिलाइज कर दिया और खुश कर दिया, चाहे क्षेत्र में जाकर के बुरी बात ना कहे तो वो थे। यानी अवतार भडाना मल्लूक नागर स्टाइल की राजनीति, उससे पहले डॉक्टर यशवी राय, करतार भडाना यहाँ यहाँ चुनाव लड़े, और सब लोग बाहर से आकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। तो विजेंद्र सिंह जो हैं वो भी स्थानीय तो वो भी नहीं है, हालांकि बाहर के वो भी हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ से जीतूंगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सिर्फ 3 महीने में ऐसा हुआ क्या जो उनका धन बल बाहुबल सब उन्होंने जो है वो अपनी सारी शक्ति का प्रदर्शन वो करने लगे। अच्छा कुछ पत्रकार गए थे रैली में, तो उन पत्रकार जब रैली में गए थे तो उन्होंने पूछने की कोशिश की कि भाई आप लोगों से पूछा कि आप जैन चौधरी के साथ हैं या आप लोकदल, जो चौधरी चरण सिंह की स्थापना वाली है लोकदल है जिसके विजेंद्र चौधरी हैं, तो क्या आप इनके साथ हैं तो किसके साथ हैं, तो किसने कोई जवाब ही नहीं दिया, सब इधर उधर करके हंसते रहे, इधर उधर बात करते रहे, मुंह छिपाते रहे, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक और इसमें अहम बात है, इतनी बड़ी रैली थी ये लोकदल की, लोकदल मतलब चौधरी चरण सिंह की स्थापना वाले लोकदल, पुराने लोकदल, इतनी बड़ी रैली थी जिसमें करोड़ों रुपया बहाया गया, पैसा पानी की तरह बहाया गया, लोगों को वहां तक खींच कर लाने के लिए तमाम जद्दोजहद की गई, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसी लोकदल के सुनील सिंह, वो कार्यक्रम में कहीं दिखाई नहीं दिए, रैली में कहीं दिखाई नहीं दिए। तो क्या ये कंफ्यूजन चैप्टर है, और ऐसा लगता है कि क्या दो थ्योरी है, पहली थ्योरी तो ये है कि अगर ये एक स्ट्रेटजी के तहत आए हैं कि वो स्ट्रेटजी ये है कि वो चौधरी जयंत सिंह को कमजोर करना है, तो चौधरी जयंत सिंह तो ऑलरेडी वहां चले गए हैं, एनडीए के साथ लगभग चले ही गए हैं, तो फिर वो अगर ये स्ट्रेटजी बीजेपी की है तो ये स्ट्रेटजी जो है उसका बेस अब दिखाई नहीं देता है, जो मकसद है पूरा हो गया। और अगर ये स्ट्रेटजी कांग्रेस की है, जैसे हम लोग पॉलिटिकल डिस्कस करते हैं, और जयराम रमेश साहब का जो है, हम आपको ट्वीट आपको सुनाया था जिसमें वो कह रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं तो हमारा स्वागत करने के लिए आए हैं, तो फिर सुनील सिंह जो हैं वो यहाँ क्यों नहीं पहुंचे, और सुनील सिंह जो हैं वो इस रैली में शिरकत करने क्यों नहीं पहुंचे। कुल मिलाकर के इन सब बातचीत में, स्थानीय लोगों से बातचीत में, पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर हम देखें तो ये बड़ी अजीब बात है कि ना वो दल है, ना वो पक्ष है, ना वो विपक्ष है, क्या वो कंफ्यूज है या क्या उनका इंटेंशन इतनी है कि पब्लिक को कंफ्यूज कर दें। तब तो मुझे राहुल गांधी की एक बात बहुत पसंद आती है, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि देखिए ये जो आदमी खड़ा है इसकी जेब काटी जाएगी, इसकी जेब कैसे काटी जाएगी, इसको लेफ्ट दिखाओ, इसको राइट दिखाओ, इसको कहो फ्रंट देखो, इसको कहो कि आप जो है वो बैक देखो, और इसको पता नहीं चलेगा कि कब जेब कट गई। खैर जीत और हार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ लोग जरूर चर्चा में रहेंगे, जैसे विजेंद्र सिंह है, ये वे लोग हैं जो संभवतः चुनाव में ना रहे लेकिन इनकी चर्चा होती रहेगी। मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ, और सुनने के लिए आपका धन्यवाद।